all of you are welcome to the 11th English class. And the first chapter is Animals in Prison. तो क्लास 11th के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है और पहला चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बॉर्न 14 नवंबर 1889 इन प्रयागराज इलाहाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था एंड डाइड 27 मई 1964 न्यू दिल्ली। हार्ट अटैक इज़ द काउज ऑफ हिज डेथ। और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी न्यू दिल्ली में और उनके मौत का कारण था हार्ट अटैक। वाइफ, उनके वाइफ का नाम कमला नेहरू था। डॉटर और उनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी था। अवार्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न अवार्ड 1955 में प्राप्त किया था। फादर्स नेम, हिज फादर्स नेम वॉज मोतीलाल नेहरू और उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। मदर्स नेम और उनकी माँ का नाम स्वरूप रानी था। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ही इज नोन एज चाचा नेहरू और वह चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज चिल्ड्रेंस डे ऑन 14th November और हम लोग उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो कि इस चैप्टर के ऑथर हैं। अब हम लोग एनिमल्स इन प्रिजन की समरी को समझते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह पहला चैप्टर है। एनिमल्स इन प्रिजन, प्रिजन में पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिजन्स का अर्थ होता है जेल या कैद खाना या कारावास। तो एनिमल्स इन प्रिजन हैज़ बीन रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज एन ऑटोबायोग्राफी विच शोज हिज लव फॉर नेचर। और यह चैप्टर को एनिमल्स इन प्रिजन को उनकी एन ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फ्रॉम वेयर एनिमल्स इन प्रिजन हैज़ बीन टेकन। तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि एनिमल्स इन प्रिजन को एन ऑटोबायोग्राफी से ली गई है और जो कि ये चैप्टर उनकी प्रकृति के प्रति जो स्नेह है, जो मोहब्बत है वो दिखाता है। इट इज़ एन ऑसम एग्जाम्पल ऑफ लिव एंड लेट लिव। यह एक बहुत ही गजब का उदाहरण है जियो और जीने दो का। नेहरू जी लिव्ड फॉर 14.5 months इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। नेहरू जी देहरादून के जेल में 14.5 महीने रहे थे, यानी 14.5 महीने वह जेल देहरादून के जेल में रहे थे। ही नेवर फेल्ट अलोन इन द जेल बिकॉज मैनी एनिमल्स लिव्ड देयर एंड ही ट्रीटेड फ्रेंडली विथ देम। उन्होंने कभी जेल में अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया क्योंकि अनेक जीव जंतु उस जेल में रहते थे और नेहरू जी उनके साथ मित्रता का भाव प्रकट करते थे। एवरी मार्क एंड डेंट मॉथ ईटन राफ्टर लिटिल टफ्ट्स ऑफ ग्रास एंड ऑड बिट्स ऑफ स्टोन वर नेहरूज ओल्ड फ्रेंड्स। प्रत्येक मार्क एंड डेंट मिस होता है दाग धब्बे, जो दीवारों पे बहुत सारे दाग धब्बे लगे थे। और मॉथ ईटन राफ्टर, राफ्टर मिस होता है तख्ता, लकड़ी का। मॉथ ईटन मिस घुन लगा हुआ, तो बहुत सारे घुन लगे हुए तख्ते, दाग धब्बे। और टफ्ट मिस गद्दा या ढेर, तो और घासों के छोटे छोटे ढेर। और ऑड बिट्स ऑफ स्टोन और पत्थर के पुराने टुकड़े छोटे छोटे, ये सभी उनके नेहरू जी के पुराने मित्र थे जेल में। वैस्प्स एंड हॉर्नेट्स वर अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल। और उस लिटिल सेल में रहने वाले वैस्प एंड हॉर्नेट्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े जो पीले और हरे रंग के होते हैं, उन्हें कहा गया है, वो भी इस जेल में रहते थे। नेहरू लाइक्ड देयर कंपनी और नेहरू को उनका साथ बहुत पसंद था।
द प्रिविलेज वॉज टू गो आउट फ्रॉम मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। और उस जेल में प्रिविलेज, प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेष सुविधा, और उस जेल में सुबह और शाम को टहलने के लिए बाहर जाने की सुविधाएं प्राप्त थी। दैट वॉज नॉट स्पेशल प्रिविलेज टू नेहरू ओनली। यह सुविधा केवल स्पेशल रूप से विशेष तौर से नेहरू जी के लिए नहीं थी। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द प्रिजनर्स। यह सभी कैदियों के लिए आम था, यानी सभी के लिए यह लागू था, सभी बाहर टहलने जा सकते थे। वंस रेन ऑफ 5 or 6 weeks एट द ब्रेक ऑफ मानसून मेड नेहरू कूप्ड अप इन द जेल। एक बार की बात है, लगभग 6 से 7 हफ्ते तक, 5 या 6 हफ्ते तक लगातार बारिश हुई थी जब मानसून का आगमन हुआ था उस समय, तो नेहरू जी कूप्ड अप, कूप्ड अप मीन्स होता है दुबक के परे रहना। नेहरू जी जेल के कोने में दुबक गए थे क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी थी, दिन रात लगातार बारिश हो रही थी। द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन। और उस समय जो ताज़े ताज़े आम के पत्ते थे वो हल्का लालिमा और भूरे रंग का था। दे चेंज द कलर सून एंड बिकम ग्रीन। और कुछ ही दिनों के बाद तुरंत ही उनके रंग बदल जाते हैं और हरे हो जाते हैं। नेहरू जी रिमेंबर्ड 24th of December 1932 बिकॉज देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेन ऑल डे बट एवरीथिंग वॉज ओके वेन ही लुक्स माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो। नेहरू जी अक्सर 24 दिसंबर 1932 को याद करते हैं क्योंकि इस दिन थंडर स्ट्रॉम, आंधी तूफान और बिजली की कड़क के साथ लगातार बारिश हुई थी ऑल डे, सारा दिन। इसलिए यह दिन नेहरू जी को बहुत याद आता है और काफ़ी ये परेशानी वाले दिन था। लेकिन जब ही लुक्स माउंटेन्स कवर्ड विथ स्नो, लेकिन जब वह पहाड़ों पर बर्फ से ढके पहाड़ों की सुंदरता को देखते हैं तो वह सारा गम भूल जाते हैं। नेहरू जी डिस्क्राइब्स द लव मेकिंग बिहेवियर ऑफ पैरट्स। और उस जेल में नेहरू जी अक्सर कुछ तोते को प्यार मोहब्बत की खेल खेलते हुए देखते थे जो उन्हें बहुत पसंद था, और इसकी चर्चा भी उन्होंने चैप्टर में बहुत विस्तार से की है। इन दिस आर्टिकल अ मैसेज इज प्रिजर्व्ड दैट एवरी वन शुड लव एनिमल्स एंड इन्जॉय द गिफ्ट ऑफ नेचर्स। इस आर्टिकल में यानी इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि हम सभी को जीव जंतुओं से, जानवरों से प्यार करना चाहिए एंड इन्जॉय द गिफ्ट ऑफ नेचर्स, और प्रकृति ने हमें जो उपहार दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो एनिमल्स इन प्रिजन का ये समरी था जो उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आएगी, और कल की वीडियो में इसी चैप्टर का जो बुक के अंदर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर करवाऊंगा, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।